नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है केरला पीएससी की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है, क्या एज लिमिट रखी गई है, कितनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सभी कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी केपीएससी की, उस पर आपको जाकर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको क्लास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन पर जाना है। तो इनके बाद जितनी भी नोटिफिकेशन है जॉब से रिगार्डिंग वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है जिसकी लास्ट डेट आपकी है यहाँ पर 2/6/2 जून, जिसकी लास्ट डेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, नर्सिंग ट्यूटर की है, स्टेट टैक्स ऑफिसर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की। तो हम असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बात करेंगे। तो इनका आपको डाउनलोड कर लेना है पूरी PDF को, और मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए चुनाव आपके लिए यहाँ पर 2/6/2 जून लास्ट डेट होने वाली है, और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ही है 30 अप्रैल का। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर, तो केरल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। सैलरी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, 39,500 से 83,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो 83 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी हुई है, जो कि काफ़ी बढ़िया रिक्रूटमेंट है स्टूडेंट। 83 पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है यदि आप देखेंगे तो स्टेट वाइज, ठीक है ना। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर। यदि हम एज लिमिट की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम 18 साल की एज रखी गई है, और मैक्सिमम 36 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं और एप्लीकेबल भी रहने वाले हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जल्दी से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है स्टूडेंट। नहीं तो इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ती है। अब यदि हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर सिंपल क्राइटेरिया, यदि आपने BTEC किया हुआ है सिविल से, केमिकल से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, किसी भी UGC यूगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या आपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में भी किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लेना है अप्लाई करने से पहले। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करूँगा, हम वहाँ से जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो स्टूडेंट। ठीक है, बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अच्छे से मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर लास्ट डेट की, तो आपको 2/6 जून, मतलब 2 जून आपकी लास्ट डेट होने वाली है। आपको मिडनाइट तक जल्दी से जल्दी फॉर्म को सबमिट करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। इसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट आप एक बार हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करें, यदि हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उन सभी के लिंक आपको वन बाय वन करके आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज की पूरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर विजिट किया था तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाली जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास पहुंच जाए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर डेली बेसिस पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।